Hello student, how are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 2.2 question number C. Good morning to all. ठीक है बच्चे, आज मैं आपके लिए एक important information लेके आई हूँ जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक एग्जाम चाहिए, दूसरा रिजल्ट चाहिए, है ना? और जब एग्जाम ही नहीं देंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? और रिजल्ट नहीं आएगा मतलब हम खुश कैसे होंगे, हमने कितना गेन किया है, है ना? तो एग्जाम देना सबसे जरूरी है ना? किसी भी चीज का एग्जाम हो, देखो हम खाना पकाते हैं, हमने कुछ सीखा होता है, सीखना होता है। तो मैंने आज आइसक्रीम बनानी सीखी, तो जब तक मैं बना के नहीं देखूंगी, सबको खिला के नहीं देखूंगी, तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे को कितनी अच्छी आती है? तो इसी तरह से स्टूडेंट को भी, जब तक वो पढ़ेगा तो एग्जाम नहीं देगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसको पता कैसे चलेगा उसने क्या सीखा है, है ना? बिल्कुल सही बात। तो चलो हम आपको अपने एग्जाम के बारे में बताते हैं। तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम नहीं यूटी, ठीक है, एग्जाम मत बोलो, यूटी बोलो, यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो हम जून के फर्स्ट वीक में टेस्ट देने वाले हैं। और कौन सा चैप्टर टेस्ट है? यूनिट टेस्ट। क्या आएगा मैडम इसमें? चलो मैं बता देती हूँ आपको। तो इसका जो सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट सिलेबस चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो यूनिट सिलेबस है यूनिट टेस्ट का, वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज करना है और उसके अंदर सभी बच्चों को फुल बाय फुल नंबर लेने हैं, तभी तो पता चलेगा भाई सभी बच्चे मैथ पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, है ना? तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है, मैथ ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो आपका जो फर्स्ट यूटी है वो है चैप्टर 1 का, वो भी कम्प्लीटली, ठीक है ना? सभी को फुल मेहनत करनी है, हम सब घर पे हैं इंजॉय कर करके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो सभी को फुल बाय फुल नंबर आने ही हैं, ठीक है? तो चलो आज हम पढ़ लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सी। उसमें क्या है? राइट एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स। आपको जिस तरह से हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से रोमन नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो रोमन नंबर को पहले हिंदू अरेबिक में लिख लो, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको उसमें लिखो, ठीक है? तो देखो ये कितने है? आई वी मतलब 4 और 4 वी मतलब 5। तो 4 और मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं? 20। तो 20 को कैसे लिखते हैं, ठीक है? हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आई एक्स मल्टीप्लाई सी, आई एक्स की वैल्यू क्या होती है? 9। मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 9 की और 100 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 900। और 900 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 100 का क्या होता है? 100 माइनस ना सॉरी 1000 माइनस 100, तो इसका 1000 क्या होता है? m, और 100 का c, वो भी आगे कि हमें सब्ट्रैक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 3, xxv मल्टीप्लाई xl, xxv यानी कि 25 मल्टीप्लाई XL मतलब 40, कितना होगा इसका मल्टीप्लाई? ये होगा, तो इसको रोमन नंबर पे कैसे लिखेंगे? M। क्वेश्चन नंबर 4, X ट्रिपल I मल्टीप्लाई V डबल I, एक्स ट्रिपल आई मतलब 11, 12, 13 मल्टीप्लाई वी डबल आई 7, मल्टीप्लाई करो इसकी, ठीक है? और इसको रोमन नंबर में लिखोगे आ, मैं नहीं लिखने वाला। देन एच डब्ल्यू है डू एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इन पेयर नोटबुक
एंड टेबल लर्न टू 2 to 10। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको यूपी जो है ना वो चैप्टर फर्स्ट की लेंगे उसका टेस्ट, तो उसको बेटा एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो आप सबको चैप्टर 1 जो है अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करके अपना चैप्टर 2 फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।